Subscribe to Film Companion for your film fix. Hit the bell icon so you never miss an update. इम्तियाज अली हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर लेखक और निर्देशक हैं, जिन्होंने हमारे सामने बहुत सारी यादगार पिक्चरें बनाई हैं पिछले 15 सालों में। उनकी पिक्चरों में एक चीज जो हमेशा कांस्टेंट रही है, स्पेशली उनके सबसे सेलिब्रेटेड वर्क में, ये वह है कि वो मानव वास्तविकता में फोकस करते हैं, या फिर ह्यूमन स्टोरीज, कहानियां या फिर पर्सपेक्टिव जो लोगों के साथ बिल्कुल कनेक्ट करती हैं, क्योंकि ये हमें यह दिखाती है कि लोग कैसे बदलते हैं परिवर्तनकारी या ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस के साथ, या फिर जाने अनजाने में लोगों से मिलना जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि हम इम्तियाज अली के मशहूर पिक्चरें देखें, जैसे जब वी मेट, रॉकस्टार और तमाशा, जहां पर उन्होंने मनोहन और प्रभावी चरित्र छाप या कैरेक्टर आर्क्स ऑफ प्रोटैगनिस्ट, समथिंग हमने सोचा है एक कलाकार के तौर पे उन्होंने मास्टरी की हुई है। वो इतने सक्सेसफुल रहे हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह जैसी बना ली हो, क्योंकि हर पिक्चर में वो ऑडियंस को एक यात्रा पे ले जाती है। वो यात्रा स्वयं की खोज है। शाहिद कपूर और करीना कपूर की इम्तियाज अली पिक्चर रिलीज होने से पहले बहुत कम लोगों ने अनजान पर बेहतरीन पिक्चर सोचा ना था देखी थी, जो कि इम्तियाज अली की पहली पिक्चर थी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतने नए निर्देशक अपने दूसरे ही पिक्चर में ऐसा स्थायी प्रभाव अपने ऑडियंसेस पे कर पाएंगे। अब इस पिक्चर में इतना खास था क्या? गीत इतनी लोगों के साथ क्यों जुड़ पाई? इसका कारण ये है क्योंकि इस पिक्चर ने सफलता से यह चरित्र हम सबको दिखाया है कि उस यात्रा में जब प्यार होने के दौर में, या फिर अपने आप को मनाने में कि ये सही है, एक खुशल, स्वचंद और हाई ऑन लाइफ गीत अपने बारे में हर तरीके से भूल सकती है। ये सिर्फ मैटर संयोग या कोइंसिडेंस का है कि गीत और आदित्य, प्लेड बाय करीना और शाहिद, किसी तरीके से उनकी सड़कें एक दूसरे से ट्रेन में मिल गईं। एक आदमी जिसने जिंदगी का जीने का मतलब भूल गया है, और एक जिसे हर दिन जीने में मजा आता है। काफी परिस्थितियों से, जैसे ट्रेन छूटना, शेडी लॉजेस, निर्देशक सहानुभूति डेवलप करता है हमारे कैरेक्टर्स के लिए। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि गीत कंपेनियनशिप ही चाहती है, पर किसी और से। जब आदित्य गीत को किसी और से मिलने के लिए ड्रॉप कर देते हैं, इस बार आदित्य एक नया आदमी है। गीत के साथ रह के और उससे प्यार में डूब कर आदित्य ने समझ लिया है कि लाइफ में हर मोमेंट चेरिश करना बहुत जरूरी है। नामंजूरी और 9 महीने के अलगाव के बाद आदित्य, जिसे गीत के परिस्थिति के बारे में कुछ नहीं पता था, वापस उनकी जिंदगी में आते हैं और इस कोशिश पे जुट जाते हैं कि गीत याद करे वो भूला हुआ सपना, वही लड़की जो उन्हें ट्रेन में मिली थी। इम्तियाज अली ने स्पेशली इस पिक्चर में विषम संबंध या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में दिखाया कि प्यार के दौड़ में लोग इंडिविजुअलिटी और आत्मविश्वास बिल्कुल भूल जाते हैं, और यह भी दिखाते हैं कि जिंदगी में बहुत जरूरी है कि हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस मिले जो हमें बिल्कुल सॉलिड शॉक की तरह लगे, जो हमें समझाता है ऑन हाउ टू कट टाइज उन लोगों के साथ जो आपकी जिंदगी के लाइफ फोर्स को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। कि दिल टूटने से जाने अनजाने में काफी बार हम किसी को मिलते हैं। ये कोई, जो इस केस में आदित्य है, आदित्य एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकती है, या फिर एक प्रभावी एक्सपीरियंस हो सकता है, पर ये आदमी या एक्सपीरियंस हमें गाइडेंस देता है उस तरफ जाने के लिए जहाँ पर रोशनी है, रोशनी अंधेरी रात की गली में, और वो रोशनी इस अंधेरी गली में हमारा आईना ही होता है। रॉकस्टार जब आई थी, इम्तियाज अली बहुत ही पारिवारिक नाम बन गए थे और सबके सब उनके साथ काम करना चाहते थे। 2011 की रॉकस्टार हमें एक परिवर्तन यात्रा जनार्दन से जॉर्डन पे ले गई थी। ये एक ऐसी कहानी है जो बहुत लोगों के साथ जुड़ती गई। रॉकस्टार हमें उस यात्रा पे ले गई जो एक बहुत लोकप्रिय थ्योरी को प्रैक्टिस में ले आई थी कि दर्द से ही कला पैदा होती है। एक कलाकार की कला का प्रभाव नकली या इनसिंसियर लगता है जब तक उसने जिंदगी में दर्द या निराशा एक्सपीरियंस नहीं की हो। जनार्दन अपने मेंटोर के साथ यही समझ पाते हैं कि असली कला का उत्प्रेरक दर्द ही हो सकता है। तो इम्तियाज अली ये कैसे करते हैं? वो हमें एक दोस्ती दिखाते हैं जनार्दन और हीर के बीच। ये दोस्ती अनजाने में खिलती है, दो लोग जो बिल्कुल दो अलग दुनिया से हैं। जनार्दन दर्द की खोज में लापता है कि इसे महसूस करने में वाकई ही कितना गम मिलता है। वो देखते हैं हीर को किसी और के साथ शादी करते हुए, अपने घर से निकाले जाने के बाद उसी कला से वापस मिलने की कोशिश में लग जाते हैं। निजामुद्दीन दरगाह में एक लोकप्रिय कलाकार से पहचाने जाते हैं, और इसके बावजूद, सफलता के बावजूद,
कम्प्लीटली खोखला महसूस करते हैं। काफी विडंबना और प्रभावी नेचर में इम्तियाज अली ने हमें यह दिखाया कि जनार्दन हमेशा यही चाहते थे, कला की खोज में दर्द महसूस करना चाहते थे, वो ही दर्द जिसने उसे इतनी सफलता दी। अब वो जब हासिल हो गया है, सारी सफलता उन्हें अभाव या नथिंगनेस महसूस करवाती है। यह जानकर कि वो उस औरत के साथ कभी नहीं रह सकते जो ये दुनिया छोड़कर जा रही है, हम इस कहानी में जनार्दन का पागलपन का अवरोहण देखते हैं, या फिर डिसेंट इनटू मैडनेस, जिससे जनार्दन बनते हैं जॉर्डन, एक लाचार और शरणमती बच्चे से एक अनुभवी पर टूटा हुआ इंसान। दर्द और दिल टूटने का नतीजा ही नहीं, पर यह सवाल कि वेदर और नॉट लक्ष्य पाने का यात्रा उचित है, डज द एंड जस्टिफाई द मींस। इम्तियाज अली की पिक्चर तमाशा एक ऐसी पिक्चर है जो लोगों ने समझने से इनकार कर दिया था और सालों बाद उनके फिल्मोग्राफी का सबसे यादगार पार्ट बन गया है। तमाशा सरफेस पे ऐसा लगता है कि एक प्रेम कहानी वेद और तारा के बीच है, पर ये एक्चुअली एक खुद को खोजने की जर्नी है, वेद की थ्रू एक मेहरबान और डीपली प्यार में तारा। इम्तियाज अली ने हमें एक साधारण ट्रिप कॉर्सिका में, जो कि वेद के लिए रियलिटी से भागने के लिए और तारा के लिए रियलिटी ही थी, हमें ये दिखाया कि कैसे दो कैरेक्टर सहज रूप से एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जब ये महीनों बाद एक दूसरे से मिलते हैं, चौकन्ना तारा वेद को पहचान नहीं पाती, वो ही आदमी जो डॉन के डायलॉग्स मारता था या काल्पनिक सिचुएशंस बनाता था, ऑल ऑफ अ सडन गाना या नाचने लग जाता था, बस एक शांत, सुशील और सबसे महत्वपूर्ण एक बोरिंग आदमी है। ये फिल्म धीरे धीरे वेद के रूप का कारण बताती है, सामान्यता या मीडियोक्रिटी वेद की रियलिटी कैसे बन गई प्रोफेशनली और पर्सनली, ये उसकी सच्चाई क्यों बन गई। इम्तियाज अली के स्टोरी टेलिंग, स्पेशली उनके स्क्रीन प्ले के आधारित वेद के दो व्यक्तित्व जो उन्हीं के अंदर हैं, उनके बारे में बताती हैं। एक दबा हुआ चाइल्डहुड, कहानियों की तरफ दिलचस्पी, परिवार वालों के लिए एस्पिरेशंस को त्यागना और कॉरपोरेशंस के खोखले और नागण्य रूप, और सबसे महत्वपूर्ण ये समझने की कि वो क्यों चलते जा रहा है। तारा जैसी एक इंडिविजुअल एक स्मरण पत्र की तरह वेद को बता रही है, अपना दम घुटने से अच्छा है कि अपनी तरह जिंदगी जी पाओ। इस स्वार्थहीन यात्रा में तारा को वेद से बहुत प्रतिरोध मिलता है, काफी बार अपना मानसिक संतुलन खोकर तारा पे काफी जुल्म होता है, पर जो ग्रेटिफिकेशन और रिस्पेक्ट वेद झुक के इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इन अ पैक्ड थिएटर तारा को देते हैं, बस ये एक टेस्टमेंट है कि बहुत बार जिंदगी में ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो खोए हुए मन को किसी तरीके से डायरेक्शन दे सके। इम्तियाज अली हमें 2020 में लव आजकल 2 प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसी फ्रेंचाइजेबल आइडिया ने हमने नोटिस ये किया कि काफी लोग निराश हुए और सोचने लगे पिछले 15 सालों में उन्होंने हमारे पास कितनी सारी यादगार कहानियां दिलाई हैं। आपकी फेवरेट कहानी कौन सी है?